आज हम लोग एमएस एक्सेल में एज कैलकुलेशन शीट को बनाना सीखेंगे कि हमारा एज जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। इस चीज की आज हम लोग एमएस एक्सेल पर शीट बनाएंगे कि हम लोग कितने साल के हुए हैं, इस साल में कितने दिन के हुए हैं, कितने मंथ हो गए, इन सभी चीजों की आज हम लोग शीट बनाएंगे। शीट बनाने के लिए सर्वप्रथम हेडिंग को थोड़ा सा दे लेते हैं ताकि दिखने में अच्छा लगे। हेडिंग देने के लिए शिफ्ट के साथ सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद से क्या करेंगे, अल्ट के साथ एच प्रेस करेंगे, एम सी हमारा माउस सेंटर हो जाएगा। इस प्रकार से सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद अल्ट के साथ एच एम सी हमारा माउस सेल हो गया। सेल्स को मर्ज करने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे एज कैलकुलेशन, एज कैलकुलेशन एज कैलकुलेशन लिखने के बाद इसके लेटर को थोड़ा सा इंक्रीज कर दे रहे हैं ताकि अच्छे से दिखे, बोल्ड कर देंगे, बॉर्डर कलरफुल कर दें, अच्छा दिख रहा है। इसको लिखने के पश्चात अब हम लोग यहाँ पर नेम लिखेंगे। ऐसी बात है किसी के नाम का मतलब नाम ही होगा, नाम होगा उसका, डेट ऑफ बर्थ होगा, उसी का हम लोग एज कैलकुलेट करेंगे। तो नेम लिख दे रहे हैं हेडिंग में। उसके बाद से करेंट डेट डालेंगे, करेंट डेट डालने के बाद से डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद से ईयर डालेंगे, क्या लिखेंगे, ईयर, ईयर को वाई से दिखाते हैं, चाहेंगे तो ईयर ही रहने देंगे बस, चाहे तो आगे वाई लिख सकते हैं। अभी देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ पर कुछ जो डेटा है वो छिप गया है, दिख नहीं रहा है, तो इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, लिखने के लिए आप चाहेंगे तो एक एक करके इस प्रकार से अगर स्लाइड करेंगे तो ये हमारा पूरा करेंट डेट उसके बाद ऐसे करके दिखा सकता है, और अगर आप चाहते हैं तो इसको एक साथ यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद से इस प्रकार से सिलेक्ट दो बार क्लिक करेंगे, इस प्रकार के जब सिंबल बने तो हमारा एक ही बार में ऑटो अरेंज हो जाता है। उसके बाद से हम लोग यहाँ ईयर के बाद से मंथ लिखेंगे, मंथ लिखेंगे, मंथ लिखने के बाद डे लिखेंगे। अब चलिए किसी व्यक्ति का नाम लिख देते हैं, जैसे एमन, अमन हो गया, मोहन, गोलू, सोनू, राकेश, और जिन लोगों का नाम लिखना चाहते हैं इस प्रकार से आप नाम को एंटर कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नाम लिखने के बाद करेंट डेट को बनाएंगे, चाहेंगे तो आप करेंट डेट लिख भी सकते हैं, और चाहेंगे तो शॉर्टकट की से आपका जो सिस्टम पर करेंट डेट चल रहा होगा करेंट डेट आ भी जाएगा। तो इस चीज को लाने के लिए कीबोर्ड की सहायता से क्या करेंगे, तो कंट्रोल के साथ सेमीकॉलन बटन को प्रेस करेंगे, हमारा करेंट डेट आ जाएगा। इस प्रकार से जब हमारा करेंट डेट आ जाएगा तो क्या करेंगे, इसको ड्रैग कर लेंगे, या फिर आप लिखना चाहें तो अपनी इच्छा अनुसार जिस डेट पर आप चाहते हैं तो डेट को लिख भी सकते हैं, ये आपकी मर्जी। उसके बाद से डेट ऑफ बर्थ, तो जायज बात है इसको डेट ऑफ बर्थ सबका अलग अलग होगा तो इसको लिखना पड़ेगा, तो चलिए लिखते हैं। ये हमारा लिखा रहा है पहले मंथ, उसके बाद डे, उसके बाद ईयर, तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर भी लिखेंगे मंथ, डे, ईयर। चलिए देखते हैं, मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ है, इस प्रकार से हम लोग डेट ऑफ बर्थ को
जो है डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ एंटर होने के बाद इसका फॉर्मूला लगाया जाएगा। चलिए तब इसका देखते हैं कि अब इसको हम लोग कितने साल के हुए, टोटल ईयर अगर निकालना रहे तो हम कैसे निकालेंगे। इस चीज का फॉर्मूला लगाते हैं हम यहाँ पर। अब देखेंगे यहाँ पर हम लोग इक्वल टू लिखने के बाद डेटेड इफ लिखेंगे, DATED इस प्रकार से। उसके बाद IFEC में इस प्रकार से लिखेंगे, ओपन ब्रैकेट करेंगे। ओपन ब्रैकेट करने के बाद डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद से कॉमा को लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद फिर से करेंट डेट पर आएंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या निकाल रहे हैं, तो ईयर निकाल रहे हैं, तो ईयर निकालने के लिए वाई प्रेस करेंगे। उसके बाद से डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, क्लोज ब्रैकेट प्रेस करेंगे। उसके बाद से एंटर प्रेस करेंगे। तो जैसे कि हमारा दिखा रहा है कि 10/3/2024 इस प्रकार करेंट डेट का, 8/3/2005 का कितना हुआ, 19 साल हुआ, 19 ईयर इस प्रकार से दिखा रहा है। इस चीज को क्या करेंगे, अब हम लोग ड्रैग कर ले रहे हैं, इस प्रकार से ड्रैग कर लेंगे। ड्रैग करने के बाद से हम लोग मंथ निकालेंगे। मंथ को कैसे निकाला जाएगा, इक्वल टू डेटेड इफ फिर से वाई लिखेंगे, DATED IF इस प्रकार से लिखने के बाद ओपन ब्रैकेट। उसके बाद से डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर करेंट डेट को सेलेक्ट करेंगे। करेंट डेट सेलेक्ट करने वाले से कॉमा लगाएंगे। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या निकालना है, तो मंथ निकालना। मंथ निकालने के लिए एम प्रेस करेंगे। उसके बाद से डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, क्लोज ब्रैकेट, उसके बाद से इंटर। तो हमारा 19 साल में कितना महीना हुआ, 230 महीना हुआ। इस प्रकार से हमारा मंथ दिखाएगा कि 230 महीने का हो गया। उसके बाद से इसको क्या करेंगे, ड्रैग कर लेंगे। अब इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, डेट को निकालेंगे कि डेट को कैसे निकाला जाता है। तो डेट निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू लिखेंगे। इक्वल टू लिखने के बाद से डेटेड इफ लिखेंगे इस प्रकार से, ओपन ब्रैकेट, और डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे अपना, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद से फिर करेंट डेट को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे। उसके बाद से डी प्रेस करेंगे, क्लोज ब्रैकेट करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, क्लोज ब्रैकेट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो ये इस प्रकार से हमारा 7011 डेज टोटल दिखा दे। अब डे तो निकल गया, अब हमें अगर वीक निकालना रहे कि हम लोगों ने अभी तक कितने समय तक कितने वीक हुए हैं इसका, तो इसका कैसे क्या करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं वीक। उसके बाद से लिखेंगे इक्वल टू। इक्वल टू लिखने के बाद से हम क्या करेंगे, टोटल डेज को सिलेक्ट करेंगे। हमने 7011 जो है हमारा टोटल डेज है, उसके बाद से डिवाइड 30 डेज से करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। तो 233 वीक हो गया है और 7 डेज इस प्रकार से आ जाएगा। इसको चाहेंगे तब इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं। उसके बाद से क्या करेंगे, इसको ड्रैग कर देंगे, ये हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग एज कैलकुलेशन शीट को बनाएंगे, जिसमें मंथ, ईयर, मंथ, डे और वीक सभी चीज़ों की मतलब डिटेल निकाल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे वीडियो पाने के लिए कमेंट सेशन में कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उनका भी MS Excel में पकड़ अच्छी हो और अच्छे से नॉलेज पा सकें।